नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजीव गांधी, आज उनकी पुण्यतिथि है और जाहिर सी बात है कि आज देश के अंदर जो है राजीव गांधी को सब लोग याद कर रहे हैं। राजीव गांधी देश का वो चेहरा जिसने प्रधानमंत्री पद पर जो है एक युवा चेहरे को लेकर के आए और उसके बाद पूरे देश की देखरेख की, देश में दंगे भड़क रहे थे उन सभी को शांत कराने का काम राजीव गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी का आज एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें हम उनकी संपत्ति और उनके परिवार को लेकर के चर्चा करेंगे, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के प्रख्यात राजनीतिक विरासत वाले परिवार में जन्मे राजीव गांधी की नियति में ही राजनीति लिखी थी। 1984 में मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश के छठे और सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान अपने हाथों में ली। राजीव गांधी के नाना और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसी वजह से राजीव गांधी का अधिकांश बचपन राजनीतिक गलियारों में ही बीता था। राजीव के नाना के काम करने के तौर तरीके को और सियासी फैसलों को करीब से महसूस किया था। इन सब के बावजूद राजीव गांधी ने शुरुआत में ही राजनीति से दूरी बनाते हुए खुद के लिए नई राह चुनी और 1966 में इंडियन एयरलाइंस के साथ पायलट के तौर पर जुड़ गए। साथ ही इटली निवासी सोनिया गांधी से ब्याह रचा लिया। लेकिन अचानक मां इंदिरा गांधी और भाई संजय गांधी की हत्या के बाद दुख भरे माहौल में राजीव को देश का प्रधानमंत्री चुना गया। राजीव गांधी की राजनीतिक यात्रा शुरुआत से ही चर्चा में बनी रही क्योंकि इनके प्रधानमंत्री का पद संभालते ही एक के बाद एक घोटालों की खबरें आने लगी। इतना ही नहीं, मालदीप के तख्ता पलट और श्रीलंका के मदद के लिए सैनिकों को भेजने के परिणाम स्वरूप उग्रवादी समूह लिट्टे राजीव गांधी के खिलाफ हो गया। आखिरकार लिट्टे ने अपना बदला लिया और 1951 में राजीव गांधी की हत्या कर दी। आज हम उनकी जीवनी को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उम्मीद करते हैं ये जीवनी को लेकर के चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम देखें तो आज देखिए करोड़ों की संपत्ति यहाँ पर जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है, लेकिन राजीव गांधी की संपत्ति का ब्यौरा जो है वो अभी तक सामने खुल करके नहीं आता है क्योंकि माना ये ज़्यादा है कि उन्होंने जो विरासत में छोड़ा है वही आज सोनिया, प्रियंका और राहुल के पास मौजूद है। बहरहाल यहाँ पर देखिए तमाम मुद्दों के बीच में आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हमारे चैनल के माध्यम से हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक जो है पूरी डिटेल्स पहुँचा पाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यह खास रिपोर्ट, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।